अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होकर मर दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारक, मैं भाई। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएन हेल्प इंडियाज प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे इंडेक्स पब्लिश किए जाते हैं, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, कभी इनइक्वालिटी को लेकर हो, लेकिन एक इंडेक्स आई एम श्योर आप सभी को इसके बारे में पता होगा। इसको कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब एक बहुत बड़ा पैमाना होता है जिसके स्तर पर हम दुनिया में जितने भी देश हैं, 191 कंट्रीज, उनको हम मेजर कर सकते हैं। तो क्या हुआ है कि यूएन के द्वारा ये जो डेटा है वो पब्लिश किया गया है फाइनली, और ये आप खबर देख सकते हो, रिमार्केबल प्रोग्रेस, यूनाइटेड नेशन हेल्स इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर कैपिटा इनकम राइज। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि इस बार के इंडेक्स में क्या आया है, भारत का जो HDI वैल्यू है वो कितनी आई है, हमारी रैंकिंग क्या आई है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट क्या हुआ है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो GS फाउंडेशन बैच है वो लॉन्च हो चुका है। इस बैच के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी करा जाती है। यही नहीं, यहां पर आपको सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे, पर्सनल मेंटर भी आपको अलॉट किया जाता है, टेस्ट सीरीज, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। बस हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, भारत की जो रैंकिंग है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो इंडेक्स निकाला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि दिखाता है कि हमारे देश के अंदर जो नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी जो वेल बीइंग है, वो कैसे रह रहे हैं, वो कितना इंप्रूव हुआ है, उसमें भारत का आपको इजाफा देखने को मिलेगा। और स्पेशली क्या हुआ था कि 2020 और 2021 का अगर आप रैंकिंग देखोगे तो वहां पर हमारा डाउनफॉल हुआ था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अब यहां पर हम थोड़ा सा राइज किए हैं। ये आप देख सकते हो, यहां पर यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसका टाइटल है इस बार का ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक। ये आप देख सकते हैं, इसके वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। तो इसको डिटेल से समझेंगे यहां पर, और साथ ही साथ यहां पर सबसे पहले तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि HDI का मतलब क्या होता है। जब हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? देखो, सिंपल है, इसमें तीन इंडेक्स होता है बेसिकली। यहां पर आप देख सकते हो, एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, दूसरा एजुकेशन से रिलेटेड, और तीसरा होता है पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड। जब मैं कहता हूं पहला वाला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब हमारे देश में लोग कितने हेल्दी हैं, जाहिर सी बात है जितना ज्यादा हेल्दी होंगे उतने लंबे समय तक वो जी सकेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, आजादी के समय क्या आपको पता है उस समय हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना हुआ करती थी? मतलब भारत में अगर एक बच्चा जन्म लेता था तो एवरेज में वो कितने साल तक जी सकता था? आपको पता है, इट वॉज जस्ट 36 ईयर्स, जस्ट इमेजिन। लेकिन आज के डेट में वो काफी बढ़ गया है। तो वो जो एज होती है ना, कितने साल तक कोई पर्सन जीता है, तो उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहते हैं। जो एजुकेशन वाला, इसमें दो चीजें हैं, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मतलब कि यहां पर जो भी बच्चा है, जो भी पर्सन है, उसने कितने साल तक, कितने एवरेज कितने साल तक पढ़ाई की है। और जो तीसरा है वो पर कैपिटा इनकम, आप सभी को पता है जो ग्रॉस नेशनल इनकम आता है, हर एक व्यक्ति एवरेज में कितना कमाता है, वो इसको दिखाता है। तो इस बार का जो इंडेक्स आया है, इसमें क्या क्या वैल्यू आई है मैं आपको बताता हूं। देखो, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत में ये इंप्रूव हुई है 2021 के मुकाबले। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो इंडेक्स है ना, 2024 में भले ही निकाला जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 2023 का डेटा है, ये बेसिकली डेटा है 2022 का, मतलब ये 2022 की रैंकिंग है। तो हमें कंपेयर करना है 2021 से, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भारत में 2021 में 62.7 ईयर्स हुआ करती थी, और आप देखिए एक साल के अंदर कितना अच्छा खासा जंप आया है, इट इज नाउ 67.7 ईयर्स। मतलब एवरेज में एक पर्सन भारत में इतने साल तक जो है जिंदा रहता है। फिर दूसरा है आपका, दैट इज पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज हुआ है और अब हो गया है $6,951। मतलब अगर आप इसको रुपी के टर्म में कैलकुलेट करोगे तो मेरे ख्याल से शायद कहीं ना कहीं 5.5 लाख या 6 लाख के अंदर, 5.5 से 6 लाख के बीच में आना चाहिए। मतलब हर साल में
एवरेज व्यक्ति भारत में करीब 5.5 से 6 लाख कमाता है, जो कि 2021 के मुकाबले 6.3% का जंप है। ठीक है, तो ये जंप आया है 6.3% का। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर जो एजुकेशन वाला है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तो यहाँ पर अब हर एक व्यक्ति भारत में 12.6 ईयर्स की स्कूलिंग लेता है, पढ़ाई करता है। तो ये सारी चीज़ हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या होता है कि इन तीनों चीज़ों से एक वैल्यू निकाली जाती है कि हमारे देश की वैल्यू कितनी है, क्योंकि अगर आपको रैंक करना है अलग अलग देशों को तो आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए ना कि भारत की वैल्यू कितना है, HDI वैल्यू कितना है। तो आप देख सकते हो हमारी वैल्यू भी अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, मतलब 1990 से कंपेयर करोगे तो काफ़ी बड़ा जंप है और 2021 के मुकाबले भी जंप है। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ ये चार्ट में, आप देख सकते हो 2021 में जो HDI वैल्यू थी भारत की, इट वॉज 0.633, ठीक है, और इस बार 2022 वाला जो वैल्यू आया है, इट इज 0.644, ऑलमोस्ट 1 ऐड हुआ है यहां पर, ठीक है, एडिशन हुआ है। और इतना आसान नहीं होता है यहां पर एक एक वैल्यू ऐड करना, इट्स वेरी टफ, बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो 1990 में भारत की जो वैल्यू थी HDI वैल्यू, इट वॉज जस्ट 0.434, मतलब अगर आप 1990 से 2022 का कंपेयर करोगे तो लगभग 50% का जंप आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका HDI वैल्यू। HDI वैल्यू के हिसाब से यहां पर रैंकिंग निकाली जाती है। और आपको पता ही है कि जो टॉप कंट्रीज हैं वो आपका फिनलैंड, स्वीडन और वो जो यूरोपियन कंट्रीज हो गए, ज्यादातर वहीं आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन भारत की रैंक की अगर हम बात करें तो टोटल 193 कंट्रीज में से आप देख सकते हो हमारी रैंक आई है 134। अब ये क्या जंप हुआ है कि उतना नहीं हुआ है, एक ही प्रावधान जंप हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज और है, 2021 में टोटल 191 कंट्रीज थे, उसमें से हमारी रैंक 135 आई थी, लेकिन इस बार 193 कंट्रीज में से हमारी रैंक आई है, भारत की रैंक 134। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये चीजें, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि जिसकी जितनी रैंकिंग होती है उसके हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है, मतलब जिसकी रैंकिंग एकदम टॉप में है तो वो वेरी हाई वाले जो कैटेगरी है उसमें आता है, फिर दूसरा होता है हाई कैटेगरी, फिर मीडियम कैटेगरी, देन लो कैटेगरी वाला। तो यहां पर चाइना और अगर हम श्रीलंका की बात करें, हमारे पड़ोसी देश के, तो उनकी रैंकिंग 75 और 78 है, तो वो बेसिकली हाई कैटेगरी में आते हैं, तो उनकी HDI भारत से अच्छा खासा ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें आसपास और हमारे पड़ोसी देश, भूटान, उनकी रैंकिंग 125 है, बांग्लादेश 129 है, और भारत की रैंकिंग कितनी है, ये है हमारा 134, जैसा मैंने आपको बताया। तो हम सब आते हैं बेसिकली मीडियम वाले कैटेगरी के अंदर, ठीक है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर हम आते हैं। एंड अगेन, ये जो चार्ट आप देख रहे हो इसमें सारे देशों का एक्चुअली दिया है, मैंने यहां पर सिर्फ वर्ल्ड का एवरेज लगाया, ये वर्ल्ड का आप देख रहे हो, ये एवरेज है वर्ल्ड का। और पहले अगर आप देखोगे भारत और वर्ल्ड के बीच में, वर्ल्ड का एवरेज के बीच में काफी गैप हुआ करता था 1990 में, और आज के डेट में ये गैप देखिए छोटा हो गया है, आपको आई होप आप समझ में आ रहा होगा। तो 2022 में वर्ल्ड का एवरेज वैल्यू जो है HDI का, इट इज 0.73, और भारत का कितना मैंने आपको बताया, इट इज 0.64, ठीक है। तो ये गैप धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं, और यहां पर अगेन आप देख सकते हो बीच में क्या हुआ था, ये फ्लैट था हमारा वैल्यू, और उसके बाद 2020 और 21 में जो कोविड वाला साल चल रहा था उसमें हमारा वैल्यू गिर गया, लेकिन अब वापस यहां पर जो वैल्यू है वो आपका इंक्रीज हुआ है। इस चार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा यहां पर ये वैल्यू गिरी थी हमारी HDI, लेकिन अच्छी बात है अब यहां पर वापस से इंप्रूव हुआ। और इसी को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने भारत की तारीफ की है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भारत की रिप्रेजेंट करते हैं, यूनाइटेड नेशन से जो भारत को बताते हैं सारी चीजें, तो उनकी तरफ से तारीफ किया गया और बोला गया है कि इंडिया हैज शोन रिमार्केबल प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स। उन्होंने बताया कि कैसे 1990 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वहां से अगर आप अभी कंपेयर करो तो 9.1 ईयर्स बढ़ा है, वहीं अगर आप स्कूलिंग की बात करें तो 4.6 ईयर्स स्कूलिंग बढ़ी है, मतलब पहले करीब 8 ईयर ही लोग स्कूल जाते थे 1990 में, आज के डेट में 12 से ज़्यादा साल स्कूल रहते हैं, मतलब स्कूल मतलब ओवरऑल पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर पर कैपिटा इनकम में तो यहाँ पर 287% का जंप आया है, 1990 में जो कमाता था एक व्यक्ति भारत में उसका 287% जंप इस समय देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और ये भी हुआ है कि इस बार का जो HDI वैल्यू आया है इसमें भारत का इंप्रूव हुआ जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप ग्लोबली देखोगे पूरे दुनिया का तो उसमें गिरावट आई है। जी हाँ, उसमें गिरावट आई है, और यूनाइटेड नेशन ने पहले सोचा था, एक्चुअली प्रॉब्लम सब कोविड की वजह से आया,
कोविड के पहले यूनाइटेड नेशन ये सोच रहा था कि 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमें अचीव करना है उसके हिसाब से जो पूरे दुनिया का एवरेज एचडीआई वैल्यू है, ग्लोबल एचडीआई वैल्यू, वो आपका वेरी हाई वाले कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ये सिर्फ हाई कैटेगरी के अंदर है और वेरी हाई में ये शायद नहीं जा पाएगा 2030 तक। तो एक तो ये हो गया एचडीआई के बारे में। फिर दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, यूनाइटेड नेशंस ने भारत की ग्लोबल जो जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट है उसमें भी तारीफ की है। यहां पर जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट में आप देखोगे तो तीन चीजों को काउंट किया जाता है, तीन डायमेंशन होते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखो इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, मतलब पुरुष और महिला में कितनी ज्यादा असमानता है। तो इसका जो एक्चुअली कैलकुलेट करने का तरीका होता है ना, वो ऐसा होता है 0-1। तो क्या होता है, अगर आप जीरो की तरफ हो, मतलब अगर जीरो मैं कहता हूं यहां पर वैल्यू है आपके देश की, तो मतलब इनइक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं कहता हूं आपके देश की वैल्यू 1 है, तो यहां पर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी, 100% इनइक्वालिटी है। तो आपको जीरो की तरफ जाना है यहां पर, इसमें यह ध्यान रखिएगा। एचडीआई में तो 1 की तरफ आपको बढ़ना है। तो यहां पर आप देखोगे तो भारत का जो वैल्यू आया है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में वो 0.437 देखने को मिलेगा। और ये तीन चीजें कौन कौन सी होती हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो महिला होती है वो क्या स्वस्थ है कि नहीं, बच्चे को पैदा कर पाती है कि नहीं, तो हेल्दी होगी तभी वो कर पाएगी, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया। एम्पावरमेंट कितना है, महिला को कितना सशक्तिकरण किया गया है देश के अंदर। फिर लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन कितना है, बाहर जाकर काम करती हैं कि नहीं करती हैं। तो भारत का रैंक 166 कंट्रीज में 108 देखने को मिलेगा, विच इज इंप्रूवमेंट फ्रॉम लास्ट टाइम। और इसीलिए सरकार का कहना है कि देखिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, इनिशिएटिव्स लिए हैं, पॉलिसीज लाई हैं, तब जाकर ये सारी चीजें हो पाई हैं, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कहना है। तो आई होप दोस्तों इस पूरे वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी एचडीआई और जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट को लेकर वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो 1991 में एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जो आज भी याद किया जाता है, जिसको कहते हैं नरसिम्हम कमिटी रिपोर्ट। क्या बता सकते हो ये किस चीज से रिलेटेड था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो खत्म हो गई, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी वीडियो। ऐसा डाटा वैसे कभी कभी देखने को मिलता है कि इंडिया जो है वो किस तरह ह्यूमन इंडेक्स में ग्रो कर रहा है। तो साफ जाहिर है जो चीजें बताई गई हैं, स्कूल एजुकेशन और इनकम, तो सारी चीजें आ जाती है इसमें। अगर देखा जाए तो भाई 2021 में गिरावट हुई थी, हो सकता भाई कोविड भी था, कोविड भी था उस वक्त, थोड़ा सा हेल्थ का इशू पूरी दुनिया में हुआ था, इधर भी बहुत ज्यादा 2019-20 में ज्यादा था ना कोविड, शुरू में 2 साल ज्यादा था, बाद में शुरू में ज्यादा था, कम होता गया ना। लेकिन वो पिछले दिनों एक और भी लहर उठी थी ना, पिछले साल वो जल्दी रुक गई कोविड-19, वो करके आया था इस तरह करके, उस दौरान भी काफी जो लोग वो मरे थे, लेकिन वो चाइना में ज्यादा हुआ था, चाइना में था, इंडिया में भी था, क्योंकि भाई इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर मौतें ज्यादा हुई, इटली में, चाइना में, इंडिया में। लेकिन ये भाई अब जो है वो कितने 9 साल का जंप आया भाई साहब एवरेज एक नाम ही, तो ये वाकई भाई साहब अच्छी खबर है इंडिया के लिए। बाकी जीडीपी में ग्रोथ साफ जा रहा है कि पहले जो इकोनॉमी थी वो कम थी, अब जो है वो और भी ज्यादा बढ़ी है तेजी से, लेकिन उस हिसाब से पॉपुलेशन भी बढ़ रही, तो फिर भी इनकम में, पर कैपिटा इनकम में फर्क पड़ा है। और बाकी जो एजुकेशन की बात हो रही थी, तो उसमें मतलब ह्यूमन इंडेक्स में इंडिया का जो 2021 में 35 नंबर था, अब जो है वो 34 हो गया, तो कम हो गया। हाँ, मतलब पहले से एक पायदान गिरा है, ये भी तो हो सकता है भाई साहब कि ये जो पायदान गिरा है, ये क्यों हुआ है ना, कोई वजह तो है ना कोई बजाय के बढ़ने की, तो दो कम कंट्री और भी शामिल हो गए ना इसमें, ये भी हो भी सकता है भाई साहब, लेकिन इसमें और भी ज्यादा ऊपर जाना था, कम होना था, मतलब जब ऊपर जाता है तो मतलब वो इतनी ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं होती, जब नीचे आता है तो वो जो पहले नंबर, जिस तरह पहले नंबर की अलग वैल्यू होती दूसरे के अलग, वो देख लो श्रीलंका दिवालिया में उसकी ह्यूमन इंडेक्स अच्छा है, अच्छा श्रीलंका के लोग बहुत काफी पढ़े लिखे,
श्रीलंका, चाइना, लोग जो पाकिस्तान का भी दिखा रहे पाकिस्तान को मैं बीच लेकिन मैं नाम ही नहीं आया भाई साहब, यकीन के साथ कह सकता हूँ पाकिस्तान का इंडिया से अच्छा ही हूँ मैं। अच्छा बोला तो नहीं वीडियो में सर ने, हो सकता है भाई साहब सोच रहा था इनके बाद अभी हमारा नाम नहीं तो नहीं तो भाई साहब कंपैरिजन करने के लिए सर जरूर दिखाते कि पाकिस्तान देख लो कितने पायदान पर बैठा है, जीरो पर बैठा है। हाँ तो ये भैया तो कोई नहीं हमें फिर भी लेकिन भाई अच्छा अभी ना इससे यही साबित होता है कि कंट्री अच्छे ट्रैक पे चल रहा है सारे तरह के भाई हेल्थ। वैसे कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें वो पकड़े गए थे जो एक्सपायर्ड दवाइयां सरकारी अस्पताल में बेच रहे थे, लड़की है वो जो अभी सर्दी उन्होंने पकड़ा भैया कितने इतने बच्चों की मौत हुई है किस तरह हो रही है उसने पकड़ा पकड़ के मतलब वो ये भी बता रहे थे कि हो सकता है इसको इसका तबादला किया जाए किसी और दूर पे इसको फेंक दिया जाए। हाँ इस तरह की बहस कर रहे थे लेकिन इसमें ज्यादा तवज्जो हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि जब पार्टीशन का टाइम था जब गोरों की इधर हुकूमत रही है उस वक्त जो है वो 36 साल के 33 साल बता रहे थे कि एवरेज एज होती थी उस वक्त भाई साहब गुर्बत और भूख इतनी ज्यादा थी, भूख और गुर्बत इतनी ज्यादा थी अस्पताल में दवाइयां नहीं होती थी इलाज नहीं हो पाता था बच्चे अक्सर पैदा होते ही मर जाते थे। लेकिन अब जो है भाई बच्चा नहीं थी अक्सर माए मर जाती थी बच्चा पैदा करते थे तो ये सोचते आती है लेकिन अब तो भाई हमारा पाकिस्तान की हालत खराब भी है ना लेकिन फिर भी सूरते हाल अच्छी है वो इसलिए कि अब जो है भाई साहब सरकार ने जगह जगह पे हमारे गांव के इर्द गिर्द 4 से 5 छोटे छोटे अस्पताल है बने हुए जिसमें भाई साहब फ्री दवाई है फ्री दवाई आपकी डिलीवरी फ्री अच्छी अच्छी दवाई भी अच्छी है। और अगर भाई वो होता ना कि लेडीज जो है वो कुछ मतलब 2-4 बच्चे हो जाते हैं उसके बाद वो ऑपरेशन करवा देती है कि मजीद बच्चे पैदा ना हो उसको सरकार पैसे भी देती है इस तरह का करते हैं कि उसको पैसे होते हैं होता है। तो और बाकी भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है ना लेडी हेल्थ वर्कर हर गांव में 3 से 4 लेडी हेल्थ वर्कर है वो घर घर में वही ना पोलियो घर पोलियो को कतरे भी पिलाते हैं और लेडीज को जाके कॉन्डोम भी देती है भाई साहब घर घर जाके भी आप बच्चों में बक्पा रखे बच्चे कम पैदा करें बच्चे सेहतमंद हो जाए। हाँ तो ये सरकार कोशिश करती है लेकिन फिर भी कुछ आवाम गलतियां करती है लेकिन ऐसे, तो ये पॉपुलेशन का ग्रोथ ऐसे जा रहा है भाई साहब काश के कभी वैसे उम्मीद भी ऐसी चलती है। इंडिया में भी ग्रोथ हुई है कि बच्चे हालांकि तो बच्चे दो ही अच्छे वाला काम नहीं लेकिन फिर भी ग्रो हो रहा है कई बातें उठती है ज्यादातर बातें हुई है मुस्लिम के ऊपर हमने वीडियो की नहीं कई हिंदू भाई भी हैं 3-3, 4-4 बच्चे हैं उनके जाते हैं शहर में रहते हैं वो अक्सर कम बच्चे पैदा करते हैं जो गांव वाले होते हैं भाई साहब वो उनका काम ही होता है बस दिन भी काम रात भी काम 3-4 तो लादनी होते हैं ना कम से कम 4 तो 10-10 बच्चे हैं गांव में। तो ठीक है भाई अपनी रूट तय का कमेंट सेक्शन में मिलते रहे वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज़।